हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे सब लोग, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो स्वागत है आप लोग को और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, आज मैं आ गया किधर, अलास्का का एक पोर्ट जिसका नाम है स्कैगवे। इधर ना मैं क्या करने आया, इधर मैं शेल्डिंग डॉग का टूर में आया हूँ, स्लेडिंग डॉग। ऐसा ही है कुछ मेरा आज आउटलुक। तो आज मैं जा रहा हूँ एक टूर पे और मेरे साथ जो जो जरूरी लेना है, मैं GoPro सेट कर लिया, ये मेरा माइक ले लिया और ये पर्स में थोड़ा $100 ले लिया। $100 तो लेने को $100 लेना जरूरी होता ही है, क्योंकि मतलब बाहर में अगर कुछ होता है तो इमरजेंसी जो भी हो उसके लिए $100 लेना जरूरी है। और एक चीज़ जो मेन जरूरी है, जो मैं पहले वीडियो में आप लोग को बोला था, ये है I-95 लैंडिंग पास, ये लेके मेरे को जाना पड़ेगा बाहर। तो अभी थोड़ा लेट हो गया, 8:10 हो गया, मेरे को 10 मिनट के अंदर उधर पहुंचना पड़ेगा। फटाफट थोड़ा A few moments later. So guys, जैसे कि देख सकते हैं यार, मैं आ गया इधर। आज वाटर शटल है क्या कि क्या है ना, कि मतलब आज जो पोर्ट है वो पोर्ट में हम लोग पोर्ट के नज़दीक तक जा नहीं सकते क्योंकि दूसरा शिप आ गया, इसीलिए कि तो गाइस अभी हम लोग देखो निकल गया बाहर। वो है अपना शिप से चला आया इधर। अभी इधर से हम लोग का टिकट भी दे दिया, तो अभी हम लोग जाएंगे। ये गाड़ी जो दिख रहा है, ये गाड़ी करके अभी शटल पकड़ के अभी जाएंगे मेन पोजीशन में, जिधर स्लेडिंग डॉग का वो जो होगा उधर। तो चलते हैं पहले। गाइस देखो, इधर ना बास आ गया, लेकिन यार मैं एक गलती कर बैठा। मेरे को पहले से ना वेदर फोरकास्टिंग चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि अभी हम लोग जिधर जा रही है पूरा बारिश ही बारिश है गाइस। सबको इधर जा रही है इधर। तो अच्छा, अलास्का बहुत अच्छा है। अभी देखो थोड़ा धीरे धीरे बर्फ़ आना चालू हो गया है ना, बर्फ़ आना चालू हो गया और पूरा बारिश का सीज़न है इधर। इधर एक फिश मिलता है, उसको बोलते हैं सैल्मन। तो ये देखो, इधर एक वुडन का ब्रिज बना हुआ है। इधर से अच्छे से गौर करोगे तो देखते हैं अगर सैल्मन दिखता है कि नहीं। नहीं, इधर इसके अंदर तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा ही छोटा छोटा मतलब पानी का जो इसको क्या बोलते हैं, तालाब जो भी हो, इसमें सैल्मन वगैरह दिखता है। मेरे को बहुत डर लग रहा है छाता उल्टी ना हो जाए। मैं आज अपना टोपी भी साथ में लेके नहीं आया। ओ, अभी हम लोग आ गए मुजर्स कैंप। शिप से मेन शटल पकड़ के इधर मुजर्स कैंप पे आया, फिर इधर से और एक बास जैसा है हुड वाला, ये बास पकड़ के हम लोग को ऊपर की तरह जाना पड़ेगा जिधर मेन स्लेडिंग डॉग का टूर जो है वो होगा। एक्चुअली स्लेडिंग डॉग तो बर्फ़ में होता है, और ये देखो ही हम लोग का बास है कुछ ऐसा ही, ऊपर की तरह जाते हैं। देखते हैं बर्फ़ अभी है कि नहीं, शायद नहीं होगा, अभी स्टार्ट हुआ गिरना। सात महीना हो अभी ऑन बोर्ड, 7 महीने के बाद घर जाएंगे। तो 7 महीना पूरा ऐसे ही टूर वगैरह करते रहेंगे, आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं काम करते करते ये सब करता हूँ। तो थोड़ा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं काम करते करते ये सब करता हूँ, थोड़ा इसीलिए तो मेरा ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो अपलोड करने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ गाइस, ये बात सही है। अभी देखो गाइस, जितना ऊपर की तरह जा रहा हूँ यार, उतना ज़्यादा ठंड लग रहा है। मैं ना भूल मतलब मेरे को थोड़ा गलती हो गया, मैं अच्छे से वो जो टूर का जो डिस्क्रिप्शन था वो मैं अच्छे से पढ़ा नहीं था। मेरे को तो बहुत ठंड लग रहा है यार। उधर देखो स्लाइडिंग डॉग आ गया, हम लोग का कार कुछ ऐसा ही है गाइस, ये देखो। Hello. How many in your family? 18. Are you just by yourself? Yeah. Okay, we're gonna cut right over here. Okay. How many in your family? Hello. Good night. Hello. Go ahead, have a seat anywhere in the car. Okay. So guys, जैसे कि देख सकते हो, ये देखो, ये है डर तो लग रहा है यार, लेकिन इतना ही सीन है इधर का। कौन सा ऐसा, चलो इधर ही बैठते हैं। हाँ
सो इस कार में, ये वाले में मैं बैठा, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। इस कार में मैं बैठ रहा हूँ और इसमें कितना डॉग है देख लो गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, so 15 है। देखो इतना सारा डॉग है, 15 से 18 डॉग है। ए, मेरे को लग नहीं रहा है कि सब एक ही टाइप का डॉग है, कुछ कुछ तो हस्की है और कुछ कुछ दूसरा टाइप का डॉग है। और इधर देखो, ये देखो, लेकिन बहुत अच्छा है। पॉइंटर उधर देखो, अपना शिप खड़ा है प्रिंसेस, और एक शिप खड़ा है, दो शिप खड़ा है। और इधर देखो कितना एक नंबर लग रहा है गाइस, ऑसम। तो इसके बाद शायद हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। ये कितना कितना डाउन होगा नीचे तक, कितना ढाल रहेगा, मतलब कितना गभीर है इधर से। सो गाइस देखो, यही ट्रक में हम लोग जा रहे थे। और ये ट्रक का हालत कितना बड़ा है ये, अरे ऐसा पूरा खराई चल रहा था ऊपर से। सो गाइस देखो, इधर ही हम लोग आया था। और इधर ठंड के कारण में बैटरी बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है, बहुत ठंड है। तो इधर देखो अलास्का में जितना स्लाइडिंग डॉग है, जो कुछ भी है, इधर ये लोग वो सब मतलब डॉग को पालता है इधर, मतलब इधर उनको को टेकिंग केयर वगैरह चलता है। और इधर देखो डॉग को रहने के लिए कितना अच्छा प्लेस है। देखो ये घर दिख रहा है ना, ये डॉग को रहने के लिए है। इधर बहुत सारा उन लोग को प्रॉपर डाइट मेंटेन करके इधर चलता रखता है। इधर हर एक डॉग का मतलब हॉबीज़ मेंशन किया, ये डॉग का क्या हॉबीज़ है, उसका फेवरेट फूड क्या है, किधर रहना पसंद करता है, कौन सा डिसलाइक करता है, सब कुछ इधर मेंशन है। हर ये एक बिजनेस करने के लिए लोग खोल के रखा है इधर, मतलब आके कोई सुवेनियर शॉप्स वगैरह इधर है। हे गाइस, तो मैं केबिन में आ गया। और वीडियो कैसे लगा थोड़ा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरे को एंडिंग ऐसे ही देना पड़ रहा है क्योंकि मैं केबिन के आगे बहुत ठंड लग रहा था, फटाफट अभी सोना पड़ेगा। जो भी हो, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और हंसते रहो। सी यू।